हेलो एवरीवन, दिस इज़ मंजीत एंड आई एम हेयर अगेन विद अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4. नेम ऑफ द चैप्टर इज रेशनल नंबर्स. वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन. नाउ वी डिस्कस अबाउट रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू. और रेशनल नंबर द नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू. हम रेशनल नंबर किनको कहेंगे? जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स. अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे 6 है, 6 को हम रेशनल नंबर कहेंगे. क्यों कहेंगे? क्योंकि 6 को हम 6 अपॉन 1 लिख सकते हैं. ओके, बट 6 अपॉन 0, दिस इज नॉट ए रेशनल नंबर बिकॉज वी राइट अबाउट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. पी अपॉन क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. अगर क्यू के प्लेस पे 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा. 0 इज़ ऑल्सो ए रेशनल नंबर. जो 0 है वो रेशनल नंबर है. तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल 2 अपॉन 3, माइनस 2 अपॉन 5, 6 अपॉन 7 और 6 अपॉन 1 एंड 7 अपॉन माइनस 9. जो पी एंड क्यू है वो इंटीजर्स होंगे और हमें पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स. 0 इज़ ऑल्सो इंटीजर, सो 0 इज़ ऑल्सो ए रेशनल नंबर. ओके, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. ए रेशनल नंबर इज सेट टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव. या फिर हम कह सकते हैं ए रेशनल नंबर इज सेट टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम साइन. अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मीन्स पी एंड क्यू बोथ पॉजिटिव या फिर बोथ नेगेटिव तो हम उन्हें कहेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर. फॉर एग्जांपल 7 अपॉन 9, 7 अपॉन 9 में 7 और 9 दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. 8 अपॉन 11, -2 अपॉन -5, -2 और -5 आर नेगेटिव इंटीजर्स एंड -9 अपॉन -13. नाउ नेगेटिव रेशनल नंबर्स. ए रेशनल नंबर इज सेट टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव अपोजिट साइंस. फॉर एग्जाम्पल -6 अपॉन 19, 4 अपॉन 7 एक्सेट्रा. -6 और 19 both have opposite sign. -6 is negative integer and 19 is positive integer. Equivalent rational number. A rational number remains same if we multiply the numerator and denominator by a non-zero integer. इसका मीनिंग क्या हुआ? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वो होंगे अगर हम एक रेशनल नंबर को जिसमें पी एंड क्यू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को एक सेम नॉन ज़ीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास 1/2 है और हमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं 1/2 के, तो हम 1/2 को पी एंड क्यू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे किसी सेम नॉन ज़ीरो नंबर से. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. फॉर एग्जांपल हमने 2 × 2, 2 × 2, 4, दिस इज 2/4. 2/4 इज इक्विवेलेंट टू 1/2. अब 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 1 को भी 2 को भी. 3/6, 3/6 इज ऑल्सो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 1/2.
ओके, एवरी फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर नीड नॉट बी फ्रैक्शन. ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशनल नंबर्स बट ऑल रेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इंटीजर्स. द इंटीजर जीरो इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर. मैंने अभी बताया कि जो जीरो है वो हमारा रेशनल नंबर है. नाउ एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर. एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू इज माइनस पी अपॉन क्यू. जो एडिटिव इनवर्स होता है वो रेशनल नंबर का साइन चेंज करना है हमें. अगर नेगेटिव रेशनल नंबर है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा एडिटिव इनवर्स उसका, और अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो वो नेगेटिव हो जाएगा. ओके, फॉर एग्जांपल एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/4 इज -3/4. फॉर एग्जांपल एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 इज +6. रेसिप्रोकल ऑफ ए रेशनल नंबर. द रेसिप्रोकल ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर इज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. द रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, उसी को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं. रेसिप्रोकल ऑफ पी अपॉन क्यू इज क्यू अपॉन पी. तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वही रेसिप्रोकल होता है. रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, आपस में इंटरचेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज 7/3. द रेसिप्रोकल ऑफ -5/11 इज 11/-5 इज इक्वल टू -11/5. ओके,